एक चम्मच तेल में बनने वाला झटपट से सूजी का नाश्ता जो बहुत ही नरम व मुलायम, अगर आपको पसंद आए तो आप भी ट्राई जरूर करें। एक कढ़ाई में एक कप पानी डाल देते हैं और गैस को ऑन कर देते हैं। हाफ टी स्पून जीरा और हाफ टी स्पून नमक और साथ में डालेंगे हम 1 कप पानी डाला था तो 1 कप हम सूजी डाल देते हैं साथ में। इसको अच्छे से चला लेंगे। अब हमारी सूजी है वो थोड़ी सी थिक हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद छोटे छोटे से बॉल्स तैयार करेंगे। अब हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा ऑयल लगा करके चिकना कर लेते हैं। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, इस तरीके से हम इसको गूंथ करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारा जो सूजी का मिक्सचर है वो बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। चलिए हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स तैयार कर लेते हैं। मैंने एक बड़े बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी गर्म हो चुका है। अब मैं एक चलनी में थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर दिया है और छोटी छोटी बॉल्स को हम इस तरीके से स्टीम कर लेंगे। मैंने केवल 10 मिनट तक के लिए बॉल्स को स्टीम करने के लिए रख दिया था और ये देखिए हमारी बॉल्स है वो बहुत अच्छी तरीके से स्टीम हो चुकी हैं और प्रेस करके देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार हुई हैं। हम कढ़ाई में बस 1 चम्मच ऑयल डाल रहे हैं। इसी से ही हम पूरे घर का नाश्ता तैयार करेंगे जो बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा यम्मी यम्मी बन करके तैयार होगा। और थोड़ी सी मस्टर्ड सीड, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी करी पत्ता, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर और मैं तैयार किए हुए सूजी के बॉल्स डाल देती हूँ। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे जिससे हमारे जो मसाले हैं वो सूजी के बॉल्स में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और साथ में डालेंगे फ्रेश कटी हुई हरी धनिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा झटपट से बनने वाला नाश्ता बनकर के तैयार हो गया है। इसमें मैं थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल देती हूँ क्योंकि मैं सॉल्ट डालना भूल गई थी, तो कोई बात नहीं बाद में डाल देते हैं सॉल्ट को और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए गैस को ऑफ कर देते हैं, इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ये देखिए हमारा झटपट से नाश्ता बनकर के तैयार है। आप लोग इसको ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक्स में और सॉस और चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। हैप्पी कुकिंग।